गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ फनल सिंह। और आज मैं करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप कैसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिना ऐप को डाउनलोड किए। ये बहुत आसान वे है जिसके द्वारा आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, जो आपको कभी लॉकडाउन में यूज पड़ा ही होगा, तो बहुत लोग को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आता था, बहुत लोग को जूम में आता था। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आप लोग को वैसे भी कभी कभी लॉग इन के लिए आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड मिलता था। कभी कभी जो होता था वो सब गलत हो जाते थे। तो हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं अच्छे से, तो चलिए मैं बताती हूँ। उसके लिए आप लोग को मेरी वीडियो पे, अगर आप नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फिर शेयर करो कि बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं, अगर उनके साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम है तो वो भी ये जैसे कर पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग को अपना ब्राउजर खोल लेना है। स्टेप 2 में आपको यहाँ पर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इसको लिखने के बाद आपको उसको सर्च कर देना है। इसमें अगर आप लोग पहले पहले जब मैं करती मैंने किया था ऐसे, तो इसमें जो क्या था ना कि इसमें कुछ अलग आता था, पर आप लोग में कुछ अलग है। चलिए नए वाले में आपको बताती हूँ कैसे करना है। इस लिंक को क्लिक करते हैं, ये खुल ले दो। चलिए यहाँ पर आपको ये लिंक क्लिक करते करते ऐसा आएगा। इसमें से आप डाउनलोड करने चल जाते हो सीधे, पर इसमें डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे चार वो दिख रहे हैं, चार पांच दिख रहे हैं। उसमें से आप पांच ऑप्शन में से लास्ट वाले ऑप्शन गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है। जैसे आपको सबसे नीचे ले जाएगा, और नीचे ले जाके आपको बस यहाँ पर किस लिए करना है। हम लोग अपने एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, या आप अपने बेचने के लिए, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं बेचने में, फिर अपने पर्सनल फ्रेंड के साथ बात करने के लिए, और फिर उसके बाद तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने जैसे वो बैक स्टेप पे उस दबाया था, वैसे ही अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर एजुकेशन एंड लर्न ग्रोथ। ये जैसे ये पहले लिख किया था जब हम लोग पहले करते थे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐसे ही लिख किया था। तो अब हम लोग इसको नीचे ऊंचे नहीं करना, सीधे जाके गेट स्टार्टेड अपना पहले आप लोग को जीमेल वाले अकाउंट से हटना है। अगर आपके पास जीमेल वाला अकाउंट है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि आप लोग कैसे करोगे, उसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स आ जाते हैं, कभी कभी बहुत गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक आउटलुक का, यस गाइस, आउटलुक जिसके लाइन में लिखा था outlook.com, उसी का एक अकाउंट बना के पासवर्ड बना के रख लेना है। उसको कुछ करना नहीं है, गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, मैंने पहले साइन इन किया हुआ था, पर आपका साइन इन का ऑप्शन आएगा, और जो आपका आईडी, जो आपने ईमेल बनाया है वो उसमें इंटर कर देना है, पासवर्ड भी इंटर कर देना है, जिससे ये पूरा आ जाएगा। देखिए जैसे कि जिसका भी जैसे कि ये कैलेंडर है, तो यहाँ पर ये कैलेंडर्स में आप बता सकता है कि कैसे कैसे आपका क्लासेस होने वाले हैं। और फिर उसके बाद आपको अगर अकाउंट स्विच करना हो, अगर आपके भाई बहन कुछ लोग इस पे करते हैं, तो ये इसमें जो है मेरा 2 आईडी था इसमें, तो ये इसमें 2 आईडी था, पर मैंने 1 आईडी हटा दी है। उसके लिए मैं दूसरी आईडी बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास ये कैलेंडर में भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे अपना क्लास फाइंड करोगे। तो पहले उसके लिए आपको क्या करना है कि टीम्स में क्लिक करके यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हम लोग का क्लास, मेरा क्लास जो है लर से क्लास 6E1 6E2, ठीक है? 2 सेक्शन इसमें चलते हैं। आपको सबसे नीचे जाके यहाँ पर नोटिफिकेशन जनरल, जनरल में अभी कुछ भी नहीं आया है, तो वेलकम टू लहरदारा यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है? फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये होम पेज है, फिर आपको ये सारी चीजें, क्लास नोटबुक, अगर आपको क्लास बॉक्स आए हैं तो आपको, और आपको करना है इसमें, आप कर सकते हो। क्लास वर्क जो हुआ है, असाइनमेंट्स आपको जो मिले हैं यहाँ पर हम आपको करके दे रहे हैं, ग्रेड्स आपको कितने मिले हैं,
और फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट नहीं, यहाँ पर जनरल है जिसमें अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं है, ये सारे हम लोग के चैनल्स हैं जो अभी सब्जेक्ट्स हैं, ड्राइंग में अभी कुछ भी नहीं आया है। फिर उसके बाद कंप्यूटर, कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद इंग्लिश, जीके, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, इधर से आपको मीटिंग के वो मिल जाएंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद थैंक यू, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है कैसे ज्वाइन कर सकते हो क्लास, तो आप मेरे साथ वो पढ़ सकते हो। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर अपने जो फ्रेंड्स के साथ करना जो आपके ही जैसे, उनको भी